हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेकोपाज क्या है ये बताती हूँ। डेकोपाज आज मैं एक ग्लास जार में करूँगी। उसके लिए मैंने एक नैपकिन लिया है। इसके बैक साइड भी एक वाइट पेपर होता है, डबल साइडेड होता है, थोड़ा थिन होता है पेपर। ग्लास जार लिया है, उसके लिए मैंने मॉड पॉज ग्लू लिया है, ब्रश लिया है लगाने के लिए, ये ग्लू लिया, टेक्सचर पेस्ट यूज किया है मैंने। ग्लास जार में मैं पहले टेक्सचर पेस्ट लगाऊंगी, जो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में टेक्सचर पेस्ट लगा के बताया था, एक फोटो फ्रेम में लगाया था और एक ग्लास जार में। तो जो हमारे पास रेडी ग्लास जार है टेक्सचर पेस्ट यूज किया हुआ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो ग्लास जार है जिसमें हमने टेक्सचर पेस्ट पहले से ही लगाया है। डेकोपाज के लिए हमको व्हाइट बेस, या तो हम इसमें कलर कर सकते हैं। डेकोपाज के लिए हमको छोटे छोटे कुछ भी कटआउट चाहिए हैं, तो ये मैंने पेपर नेपकिन का कटआउट लूंगी, पर मैं इसको सीजर से नहीं कट करूंगी। इसका भी एक मेथड होता है, इसके साइड साइड में हल्का हल्का पानी लगा के इसको फाड़ लेंगे, ताकि वो अनइवन हो वही सुंदर लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने कटिंग करके सिर्फ उसको चिपका दिया है। ये डबल पेपर होता है, तो इसको दोनों साथ में नहीं इसको चिपकाएंगे, बैक साइड का जो नैपकिन है उसको अलग कर लेंगे। ये वाइट नैपकिन, थोड़ा थोड़ा पेपर पानी से कट करके फिर इसमें पेस्ट किया है, पेस्ट किया, ग्लू ऊपर से लगाया, फिर इसमें कलर किया, कहीं कहीं डार्क ग्रीन और लाइट येलो कलर। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इस पे लास्ट कोटिंग ये मॉड पॉज ग्लू की करेंगे, जिससे थोड़ा वाटरप्रूफ हो जाता है। ये डेकोपाज ऑन ग्लास जार अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।